Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री के लिए कांग्रेस के रेवंत रेड्डी के नाम पर मुहर लग गई है। वो राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे और 7 दिसंबर को पद की शपथ लेंगे, सीएम पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस ने मंगलवार शाम को इनका नाम जो है आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक में बताया कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री होंगे। वह अनुभवी हैं, उन्होंने सभी के साथ काम किया है और वो पहले ही तेलंगाना के लोगों को वादा कर चुके हैं कि उनके लिए वो काम करेंगे। उन्होंने बताया कि रेवंत रेड्डी 7 दिसंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 64 सीटें जीतकर बीआरएस को सत्ता से बाहर कर दिया है। बीआरएस को 39 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है, जबकि बीजेपी को यहां 8 सीटें मिली हैं। तेलंगाना में जीत का सबसे ज्यादा श्रेय रेवंत रेड्डी को मिल रहा है और यही वजह है कि सीएम पद के लिए सबसे ज्यादा चर्चा रेवंत रेड्डी की है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। रेड्डी तेलंगाना में कांग्रेस के उन 3 लोकसभा सांसदों में शामिल हैं जिन्होंने 2019 में जीत हासिल की थी। इस चुनाव में रेवंत तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के सामने कामारेड्डी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, हालांकि बीजेपी उम्मीदवारों ने दोनों को मात दिया है। अब समझते हैं कि कौन है रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी का जन्म 1969 में अविभाजित आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में हुआ था। रेड्डी ने अपने छात्र राजनीति की शुरुआत एबीवीपी से किया था। बाद में वे चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गए। 2009 में वो आंध्र की कोडांगल से टीडीपी से टिकट पर विधायक चुने गए। 2014 में वो तेलंगाना विधानसभा में टीडीपी के सदन के नेता चुने गए। 2017 में रेवंत रेड्डी कांग्रेस में शामिल हो गए, हालांकि वे 2018 में विधानसभा चुनाव हार गए। हालांकि कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताते हुए 2019 लोकसभा चुनाव में मालकाजी करी से टिकट दिया, इसमें उन्होंने जीत हासिल की। और 2021 में कांग्रेस ने उन्हें बड़ी जीत जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था और वो जो हैं कांग्रेस के नए सीएम तेलंगाना के होने वाले हैं। बाकी आप लोग इस पर क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।